आकर के बात करेंगे, जरूर कन्विंस करेंगे। किस चीज पर एतराज है ये तो बताएं, जिसको भी एतराज है वह किस चीज पर एतराज है आके बताए कि नहीं इस योजना में यह परिवर्तन होना चाहिए, निश्चित तौर पर हम उसकी चर्चा करेंगे। और शासन से इतनी हमें जरूर उम्मीद है कि जिस तरह से टारगेट करके भाजपा को टारगेट किया जा रहा है, यह सरासर शासन की कहीं ना कहीं कमी दिख रही है और यह बहुत ही गलत बात है, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ। शिवम अग्निपथ योजना को लेकर दो दिनों से पूरे देश सहित पूरे बिहार में बवाल सा मचा हुआ है। आपको बता दें कि युवाओं के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यालय है। ऐसे में आज बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बड़ा आरोप लगाया है और साफ तौर पर कहा है कि पुलिस प्रशासन के वजह से ही बिहार में इतनी बड़ी घटना घट रही है। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, पहले आप वो सुनिए। वो आकर के बात करेंगे, जरूर कन्विंस करेंगे। किस चीज पर एतराज है ये तो बताएं, जिसको भी एतराज है वह किस चीज पर एतराज है आके बताए कि नहीं इस योजना में यह परिवर्तन होना चाहिए, निश्चित तौर पर हम उसकी चर्चा करेंगे और उसकी चिंता करेंगे। लेकिन आप एतराज नहीं बताइएगा, आप बताइए कि इसमें ये एक पहला क्लॉज गलत है, ये पांचवा क्लॉज गलत है। जब जितनी बहालियां सैनिकों की होनी थी, अंदर तो एक ही है कि पहले आप परीक्षा देते थे, परीक्षा में अगर 1,00,000 में से 10,000 पास करते थे, 10,000 रहते थे, 90,000 रोड पर रह जाते थे। अभी क्या होगा कि 1,00,000 में 40,000, 10,000 के बदले 40,000 लोग आएंगे और 30,000 को एक 4 सालों में 48,00,000 रुपए मिलने के साथ उसको पूरे के पूरे तौर पर स्किल होगी। आर्मी का मतलब यह नहीं होता है कि आप टैंक चलाने लगे, आर्मी का मतलब यह नहीं होता है कि आप हवाई जहाज चलाने लगे, एयरफोर्स का मतलब। इसमें कितने लोग मैकेनिकल में जाएंगे, कितने लोग इलेक्ट्रिकल में जाएंगे, कितने लोग विभिन्न जगहों पे जाएंगे, जिस जगह पर उनकी को जॉब मिलेगा वो 4 साल की उसकी स्किलिंग होगी, उसका स्किल डेवलपमेंट से उसको सर्टिफिकेट मिलेगा और 4 साल की आर्मी ट्रेनिंग के बाद वह जवान इतना अच्छा रहेगा कि हिंदुस्तान का हर उद्योग उसको लेने को बेकरार रहेगा। तो ये एक अच्छी योजना है। शासन से इतनी हमें जरूर उम्मीद है कि जिस तरह से टारगेट करके भाजपा को टारगेट किया जा रहा है, यह सरासर शासन की कहीं ना कहीं कमी दिख रही है और यह बहुत ही गलत बात है, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। मैं आपको 3 वीडियो आप ही के टीवी चैनल्स के हैं, मैं जरूर आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, जरा उसको ऑन करो तो 3 वीडियो आप देखिए। मुझे नहीं लगता इसके बाद मुझे कुछ कहने की होगी, आप ही में से किसी चैनल का 3 वीडियो नहीं, आप एक बार देख लीजिए। आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है कि आप बिहार में अध्यक्ष हैं, आप सत्ता में हैं और आपकी इतने दफ्तर, इतने नेताओं पर इतने आज तक कभी हमला नहीं हुआ था, हमला हुआ और आप सरकार में भी। जाहिर बात है हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ है, और किसी जगह जहां बंगाल हो, झारखंड हो, जहां हमारी सरकारें नहीं है, वहां भी अगर इस तरह की घटना नहीं घट रही है तो ये एक गहरी साजिश है और प्रशासन को हर हालत में इस साजिश को खोलना होगा कि क्यों ऐसे हो रहा। एक मिनट ये देख लीजिए क्या हुआ। बिल्कुल बिल्कुल है, और हम लोगों ने बात किया, मैंने गृह सचिव से भी बात किया है, DGP से भी बात किया है, मुख्यमंत्री जी के सामने हम लोगों ने रखा, उस मुख्यमंत्री वो बात करेंगे, एक संगठन के अध्यक्ष के तौर पे मैंने गृह सचिव और DGP दोनों से बात किया। जरा ये दिखाइए, विरोध करने का हक किसी को भी है, विरोध करने में कोई बुराई नहीं है, हम सब अलग अलग दल के हैं, लेकिन इस तरह से प्रशासन के द्वारा व्यक्तियों को टारगेट करना, प्रशासन के द्वारा एक खास पार्टी के दफ्तरों को जलाने करना, और 300 मधेपुरा में जो हुआ है 300 पुलिस दर्शक बन करके बैठी हुई है, क्या पुलिस पे कार्रवाई हो रही है? तो ये हम लोग शासन के हिस्सा हैं और इस तरह से जो कहीं हिंदुस्तान में नहीं हो रहा वह बिहार में हो रहा है, यह बहुत गलत है। और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर मैं बिल्कुल इसका विरोध करता हूं और इस तरह की घटनाएं हर हालत में अगर नहीं रोकी गई तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो आपने साफ तौर पे सुना, इशारों में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे ही सवाल उठा दिया है और साफ तौर पे कह दिया है कि पुलिस प्रशासन के मिली भगत से ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को
युवाओं के द्वारा टारगेट किया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से अग्निपथ योजना को लेकर पूरे बिहार में दो दिनों से बवाल मचा हुआ है, ऐसे में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है, तो अब जेडीयू की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर आती है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।